सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है कि यदि आरोपी दोषी भी है तब भी उसका घर तोड़ना जायज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल देखने को मिली, जहां बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने पक्ष सामने रखते नजर आए। इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि बुलडोजर कार्यवाही गलत है, यह वैधानिक नहीं है। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा समाज विरोधी तत्वों का साथ दिया है, इतिहास गवाह है कि कभी भी उनकी भूमिका सकारात्मक नहीं रही है। तो वहीं दूसरी ओर विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई बात कही है तो हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं है, इस पर आगे की सुनवाई की जाएगी। सरकार की मंशा किसी को डराने या धमकाने की नहीं है, सरकार की मंशा अपराधियों में खौफ पैदा करने की है। मुझे लगता है कांग्रेस ने हर हमेशा उन उपद्रवियों का, उन समाज विरोधी तत्वों का साथ दिया है, ये इतिहास गवाह है, कभी भी उसकी भूमिका सकारात्मक नहीं। रही बात सर्वोच्च न्यायालय के माननीय की जो टिप्पणी है, उस टिप्पणी पर किसी को भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही है तो हम न्यायालय के खिलाफ कोई हमारी बात नहीं है, बल्कि हम न्यायालय की हर बात का सम्मान करते हैं, ठीक है कि नहीं। पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फाइनल स्टेटस नहीं दिया है, इस पर आगे बहस है, सुनवाई है। सरकार की मंशा किसी को सताने की, किसी को डराने की, किसी को धमकाने की नहीं है। सरकार की मंशा अपराधियों में खौफ पैदा करने की है, और मैं समझता हूं कि माननीय न्यायपालिका भी यही चाहता है कि देश और समाज अपराध मुक्त हो, बेटियां भय मुक्त होकर घूमें, कोई उनको सताए नहीं, कोई गरीब की जमीन पर कब्जा ना करे, कोई नाजायज किसी को प्रताड़ित ना करे। इसी के लिए शायद बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था की है। न्यायपालिका न्याय अच्छा देगी, ऐसी हम संभावना करते हैं, और अपराधियों में दहशत पैदा होगी, ऐसा न्याय भी आएगा। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF ranked for 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।